5 4 3 2 1 बजी सिटी वॉलीबॉल कमोन जारबा लेट्स फुटबॉल। दो दिन के फुटबॉल का ये अंतिम मुकाबला आज हमारे हजारों दर्शकों की भीड़ पर खेली जा रही है। एक छोर पर पिंक कलर पर जो टीम नजर आ रही है ये टेलको जमशेदपुर झारखंड की टीम, और पीले कलर के जो टीम नजर आ रही है ये उड़ान एफसी उड़ीसा की टीम है। दोनों ही दलों में कई बेहतरीन और बेशुमार खिलाड़ी मौजूद हैं, मगर ये मैच आप अन्य मैचों से काफी अलग हो चुका है क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। यहाँ 10,000 का अंतर है पुरस्कार में, हालांकि और भी कई सारे पुरस्कार हैं वो अलग बात है, मगर यहाँ पर दोनों ही दल एड़ी चोटी करेगी इस वर्ष के सरताज बनने का। यहाँ शुरुआती क्षणों में ही उड़न सरदार एफसी उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा प्रयास किया गया था, मगर टारगेट से फटके, तो एक अच्छा माहौल यहाँ पर तैयार होता हुआ और एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है मैदान के चारों ओर खचाखच हमारे दर्शक। मैं तहे दिल से दर्शकों का हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि दो दिन लगातार अपनी सहानुभूति जो दिखाई है इस टूर्नामेंट के लिए वो काबिले तारीफ है। तो ढेर ढेर अंदर थे जो हमारे दर्शक मंडली रहे आज प्रतियोगितार शेष दिन और शेष खेलाते अपने स्वागत रहे दूटी सेरा दल मुखोमुखी फाइनल मैचे, एक साइडे उड़ीसा तो एक साइडे झारखंड टीम। এখন এখানে বলা সম্ভব হবে কি কোন টিমটি স্কোর করবে আর নিজের টিমকে এইবারের উইনের টিম বানাবে। এখানে আমরা দেখব উড়িষ্যা গতকাল গ্রুপ এর খেলাতে নিজের টিমকে ফাইনালে জায়গা বানিয়েছে, এখানে সুযোগ হতে পারে। আর এখানে সুযোগ কে হাতে তুলে নিয়েছে তেলকো জামশেদপুর ঝাড়খণ্ড। স্টার্টিং টাইমে একটি বড় নিজে নামে করে নিয়েছে, और जब जब स्कोर हो रही है हमारे जो वाद्य यंत्र लेकर आए हुए हमारे भाई बंधु गाजे बाजे के साथ, ये गाजा बाजा जो है कि उत्साह दे रहा है हमारे खिलाड़ियों को कि आप उत्साहित होकर फिर से गोल करें और खेल का मनोरंजन को बढ़ाएं। तो यहाँ पर जर्सी नंबर 11 मदरूस मुर्मू के द्वारा ये स्कोर दागा गया है और हैट्रिक के साथ साथ उनका स्कोर जो बढ़ा है, कहा जाए तो कुल मिलाकर 5 स्कोर कर चुकी है और सर्वाधिक गोल दागने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि कुंजन एक ऐसे खिलाड़ी उन्हीं की टीम के जिन्होंने 2 गोल किए हैं, तो शायद 3 गोल करके उनकी बराबरी करना उनके लिए आसान नहीं होगा, तो हम कुंजन की बात नहीं करेंगे, मगर एक अच्छे खिलाड़ी कुंजन भी हैं। और ये शॉर्ट टाइम गोल हुई है जर्सी नंबर 11 के द्वारा, 1:59 में ये गोल हुई है जो पूरे टूर्नामेंट में शॉर्ट टाइम गोल कहा जाएगा, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से पुरस्कार है। तो चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर जर्सी नंबर 11 ने एक अलग छाप छोड़ी है 2024 के इस टूर्नामेंट में। हैट्रिक के साथ साथ सर्वाधिक गोल, शॉर्ट टाइम गोल, काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं और सभी खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन हैं, सबों का तालमेल भी देखा जा रहा है। और अगर हम अपने से बात भी कर रहे थे कि जब तक खेल में तालमेल ना हो तब तक आप स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो चलिए इसी के साथ मैं हमारे साथी कमेंटेटर होपना जी को जोड़ना चाहूंगा। होपना जी, माइक्रोफोन में आपका स्वागत है। होपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश माता जी को। तो नेशा मुचेट खिलौंड है तो सौंत के सनाम जनुषी के को न सपड़ा कमेटी पार्सल ने तंदरा में पिया चंदोर का पाटा ससंग मिसा जैसी रे जहाँ टीम मंजल का नुकुद कोई कना उड़न एफसी ओडिशा टीम रिंग खेलो को अटेटिना चांदोसुर पाटा रे पिंक कलर जैसी रे नुकुद कोई कना श्रीनाथ एसवोटिंग टेलको बना टीम के नवा ग्राउंड रे फाइनल को अनेका नेला बनेसा टूर्नामेंट को टीम को जीत करो करना।
মাঠের পুরো প্রান্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হলুদ কালারের জার্সিতে উড়ান সাদার এফসি ওডিশা টিমের খেলোয়াড় আর পশ্চিম প্রান্তে গোলাপি কালার জার্সিতে শ্রীনাথ স্পোর্টিং টেলকো ময়দানের শিখের কাপ্তাই দিয়ে উড়ান সাদার এফসি ওড়িশা আর সিঙ্গিয়া সুতে দিয়ে টেলকো শ্রীনাথ স্পোর্টিং টেলকো মেন গোল আয়ত্ত করুন দ্বারা টেলকো ফুটবল টিম পটি পাখ দূর অসিবা সমস্ত খেল বন্ধু খেলাড়ি বন্ধু দর্শক মন্ডলী শ্রীযুক্ত অতিথি মানুষ সমস্ত কমিটি তরফ স্বাগত জড়াচ্ছি বর্তমান সুদা ফাইনাল খেলার পডিয়ার পূর্বপটরে উড়ান সদর এফসি ওড়িশা আর পশ্চিম পটরে শ্রীনাথ স্পোর্টিং টেলকো খেলবতী কামাল কাউকে আপনি নাপায় খেলন না পূর্বপুরি আসামের ওড়িশা টিম হওয়া কম টিম রে নেওয়া জন্য খেলোডীয় টিম রে সিলেক্ট কমে ওড়িশা সার না সুপারস্টার আডিগান টুর্নামেন্ট কো খেলে কা সুপারস্টার সস দিন কালাম যাহা সিলভার জুবলি কো মানাও কেনা সিলভার জুবলি প্রোগ্রাম রে ফাইনাল কো চ্যাম্পিয়ন কা ওনা টিম কেনা নেওয়া তা খুঁজে গোল বাখরা দোহরাতে টেলকো টিম লেগে কঞ্জন টুডু বল কিছু কিন্ন বিলম কিয়া ববিতা দুর্গ মালাম্পাটা বলে দিন কেন কুরমুটেন শুক্লাল অ্যাডভান্স করেন্টে তাল মেলে বিনাও কাতে বল মানাম পাঠা কো দিয়ে নাপাই কাটিং কাটিং দুখিয়ে লেগে বল गोया पास करने के नपाई किन किलर का खेल बहुत ही कमाल का चल रहा है और जिस तरीके से हम लोग अनुमान लगा चुके थे गणेश जी कि फाइनल का मुकाबला बहुत ही दमदार मुकाबला होगा अब बिल्कुल उसी के अनुरूप दोनों टीम के खिलाड़ियों पर खेल को दर्शाते हैं हालांकि एक गोल से आगे जरूर है यहाँ पर श्रीनाथ स्पोर्टिंग टेलको टीम की खिलाड़ी लेकिन राह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ओडिशा टीम की खिलाड़ी को हम लोग देख रहे गोल खेलने के बाद थोड़ा सा गति और तालमेल को बढ़ा दिए हैं जी बिल्कुल खेल का रोमांच तो बढ़ना ही था अक्सर जब हजारों की दर्शक संख्या में दर्शक मौजूद होते हैं मैदान के चारों ओर तो टीमों का हौसला ऐसे ही बुलंद हो जाता है और जरूर टीमों में जो भी खिलाड़ी होते हैं वो चाहते भी हैं कि टीम के हम हीरो बने पहला गोल हम करें और जहां तक गोलों की बात है अपना जब से मैं गोल को काउंट कर रहा था शुरुआती मैच से लेकर तब से अब तक कुल मिलाकर 39 गोल आ चुकी थी 39 गोल आ चुकी है और मैं अनुमान लगा रहा था कि कम से कम 40 गोल हमें जरूर देखने को मिलेगी तो देखना है कि इस मैच में हमें 40वां गोल मिल रहा है या नहीं 39 गोल हो चुकी है जी बिल्कुल सेकंड राउंड तक जिस तरह से जो मैंने गोल हो रहा था ऐसा लग रहा था 50 का आंकड़ा को पार छू लेंगे कांटे का मुकाबला मैदान में हम लोग एक बार इस मैदान में जंग मैखिर का जीत गिर को मिलेगी ये देखना होगा और काफी हाइट का बॉल को ऊपर किक लेने की कोशिश नहीं थी अब फाउल होता हूँ और अभी अभी हमें सूचना मिली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान दुर्गा मुर्मू जी यहाँ पर बता रहे हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है हार्दिक स्वागत है चलिए अच्छा लग रहा है कि इस वर्ष का जो टूर्नामेंट उन दिग्गज आत्माओं को समर्पित किया गया है जो आज हमारे बीच नहीं है उनके परिजन उनके परिवार के सदस्य
यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनको जारपा बागुड़िया की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और बहुत कमी है भाई, आधा ये तो है, बस सबका मेहनत भी खत्म नहीं हुआ है। शासन जैसे ने चंदोसर पटारे उड़ान सरदार एफसी ओडिशा मीरगोल मलांगरे में कौन अटे टेलको टीम छोर में बदलाव के बाद पूर्वी छोर पर टेलको टीम की खाड़ी और पश्चिमी छोर पर ओडिशा एक गोल से टेलको की टीम आगे है। अभी भी कुछ कुछ दर्शकों को समझने में दिक्कत हो रहा है, आखिरकार ओडिशा का टीम कौन सा है? मैं बता दूं, पीले जर्सी पहने ये ओडिशा की टीम है। ओडिशा की टीम में झारखंड के कुछ खिलाड़ी शामिल है और मैदान के पूर्वी चौपर श्रीनाथ स्पोर्टिंग टेल को ये झारखंड का टीम है। हालांकि टीम में ओडिशा शेट के कुछ खिलाड़ी का समावेश है। खेले के मेले ये हम लोग जानते हैं, अलग अलग एरिया अलग अलग स्टेट के खिलाड़ी आपस में मिलजुल कर खेलते हैं। दिखाएंगे भाई, लास्ट में दिखाएंगे। दोनों टीम के कप्तान आमिर सामने होते हुए प्रेम और रंजीत माडी Yes, so most welcome again. It is a fantastic ending time in this football tournament. And we are celebrating the World Indigenous Day. A really excited moment for everyone. So I will want to give the special thanks to our presented audience because you are the most important part of this tournament. So expectation to you, you will support this tournament till ending. So thank you so much and get ready again, take in the same passenger of this fantastic last match of this tournament. রতু সিং মন্ডা বেড়া যেখানে থাকুন আপনি, আপনার সাথে আপনাকে খুঁজছে, আপনি এই মঞ্চের কাছে চলে আসুন এবং দেখা করুন। গাড়িকে সামনে আপ চলে যান। And east side Telco Jamshedpur and west side Odisha team.
एंड दे आर सो वाचिंग आवर एवरी रिप्रेजेंटेड ऑडियंस बिटवीन एंड बराइस फिनिशिंग। Fantastic finishing. And what is our team? And again, we are celebrating a different kinds. Really, for ongoing match. And goal number 40 till now. कुल मिलाकर 40 गोल अब तक हो चुकी है। वास्तव में यह टूर्नामेंट अगर 40 गोल हो जाए तो वास्तव में आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन खेल हुआ होगा। कल से लेकर आज तक अगर आप काउंटिंग करेंगे गोल का तो फिर 40 गोल हो चुकी है। यहाँ पे फिर से एक बार मौका बनाएगा, दाहिनी तरफ गेंद जा चुकी है। इस बार झारखंड की तरफ से आक्रमण का कोशिश हो रहा है। You will want to set this nicely. एक अलग नजारा है मैदान के चारों तरफ खचाखच भरे दर्शक। अनबिलीवेबल क्राउड्स फ्रॉम हियर इन दिस टूर्नामेंट। दिस इज द बिग हिस्ट्री। वास्तव में ये बहुत बड़ा इतिहास है फुटबॉल के टूर्नामेंट में। यहाँ पे मौका बना सकते हैं करीबी मामला। अभी भी खतरा टला नहीं है मगर अब टला। अंत भला तो जग भला। हट गई है इस बार आंखों से पर्दा और यहाँ पे हर एक टीम खेल में उड़ा रहे हैं गर्दा। इस बार बाई तरफ से आक्रमण का यहाँ पे प्रयास हो रहा है। गोल का स्वाद होता क्या है चक्षु के है। एट का जवाब पत्थर से दिया जा चुका है। दिलकश अंदाज में खेल का मुजाहरा होता हुआ क्या कमाल का तालमेल। ये दूर से प्रयास हुई यहाँ पे। आत्मघाती गोल होने की शंकाएं नजर आ रही थी मगर हुई नहीं है। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन होता हुआ यहाँ पे रंजीत। जीत का क्या यहाँ पे मंत्र फूकेंगे 7 नंबर रंजीत। अगर बेहतरीन गोल दागते तो मन का मीत बनते मन का मीत। कुछ शिकायत करते हुए मगर हम हर एक खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि हमारे रेफरियों से कोई बहस नहीं करेगा। आपने इतनी बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन का जो मेंटेन किया है अंतिम क्षण में भी आप डिसिप्लिन का मेंटेन करें। चारों तरफ हल्ला बोल क्योंकि अब शंकाएं हैं कि होगा गोल। अगर हो जाएगा गोल तो बजेगा ताशा बजेगा ढोल और ये खतरनाक गोल। और फिर से मदरूस। जिधर देखो मदरूस पूरे टूर्नामेंट में छा चुके हैं मदरूस। ना ही चाइना ना ही जापान ना ही रूस मगर इस टूर्नामेंट में एक ही नाम वो है मदरूस। मदरूस और मदरूस और 6 गोल अब तक दा चुके हैं और उसमें से एक हैट्रिक। क्या बात है ये अनोखा कीर्तिमान। बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे बन चुका है मदरूस का। हर दिलों में हर दिमागों में छा गया है मदरूस। ले रहा
और एक मैसेज है हमारे हौसी भाइयों के लिए, कल भी पाड़ा यहाँ पे संपन्न की जाएगी। हेलो, चलिए खेल एक रोमांचकारी मोड में पहुंच चुके हैं, 2-1 के बड़ा शिखर पटेल को फिर से मातृश के लिए हैट्रिक का मौका, क्या फाइनल के मुकाबले में हैट्रिक देख पाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल 2-1 के बड़ा से खेल रहे हैं टेलको टीम की खिलाड़ी पूना पर टेलको कोरा चांद मार्डी, बहुत ही गजब का खेल को खेले पूरे टूर्नामेंट में। चले प्रेम मुर्मू दुर्गार्जुन के लिए बॉल को डाले, धीरे धीरे पर सुखलाल थोड़ा सा हेवी पास दासो मुर्मू के लिए और गोल किक लेने का मौका मिलेगा इस बीच टेलको टीम के खेल को। तो नहीं तो दबीते टेलको टीम बारे को गोल का जवाब रे ओडिशा टीम मिट्टी ठाको गोल का। जैसे जैसे समय बीता जाएगा दबाव बढ़ता जाएगा पर ओडिशा के खेड़ों में इस बीच यहाँ पर समय समाप्ति घोषणा मारे मैच अफ्रीका द्वारा आखिरकार